कोर्स में खुशामदीद। ऑटोमेशन के बारे में बात करते हैं। ऑटोमेशन एक ऐसा अमल होता है जो बार बार किया जाने वाला होता है, और ऐसे अमाल जिनको बार बार एक ही तरीके से किया जाना होता है और जिसके अंदर कोई रद्दोबदल नहीं आता, तो ऐसे सीक्वेंस को, ऐसे प्रैक्टिकल्स को जो है ऑटोमेट कर दिया जाता है। उसमें एक मर्तबा जो है इंसान वो अमल को स्टेप बाय स्टेप, दर्जा बदर्जा बयान करता है, और रोबोट्स को या मशीन को वो अमल बताया जाता है, और रोबोट्स वो जो है वो अमल को दोहराना शुरू कर देते हैं। ऐसे वो सारे अमाल जिसमें मज़ीद सोचना समझना नहीं होता, जिसमें सब कुछ पहले से डिसाइड होता है, पहले से मालूम होता है कि किस स्टेप के बाद कौन सा अमल करना है, तो ऐसे सारे अमाल के लिए रोबोट को दे दिया जाता है, क्योंकि रोबोट सोचने समझने की सलाहियत नहीं रखता, वो वही करता रहता है जो उसको कहा जा रहा होता है। इसी तरह वो सारे अमाल जो जिनसे इंसान जो है बोर हो जाता है, ऊब हो जाता है, वो ऐसे अमाल जो है इंसानों के करने के बजाय वो रोबोट्स को दे दिए जाते हैं। और फिर होता है कि जी ऐसा आहिस्ता जो है रोबोट की और इंसान की आपस में मुदाखलत कम होती जाती है, रोबोट ही सारे काम जो है वो 100% वही करने लग जाते हैं, इंसानों का अमल दखल जो है वो कम हो जाता है, और आखिर में ऐसा होता है कि जी थोड़े दिनों तक टेस्ट करते रहने के बाद जो अमल रोबोट को बताया गया होता है वो खुद ही वो कर रहा होता है, और उसके बाद उसको किसी की ज़रूरत नहीं होती है उस चीज़ को मज़ीद बेहतर बनाने की या कुछ करने की। एक प्री डिफाइंड सीक्वेंस है। इसकी एक मिसाल जो है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक काम होना है, बार बार होना है, कई मर्तबा होना है, और अगर इंसान वहाँ पर बिठाएं तो वो 8 घंटे के बाद वो बोर हो जाते हैं, उनका एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है। तो ऐसी जगहों के ऊपर रोबोट्स जो है वो बहुत अच्छा बेहतर काम कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें ये सब कुछ फीड हुआ हुआ होता है, उनको पता होता है, याद कराया जाता है डिवाइसेस के ज़रिए कि उन्हें दरअसल पूरा दिन क्या करना है। इसी तरह चूँकि रोबोट तो मशीन होती है, वो तो थकती नहीं है, तो रोबोट जो है वो 24 घंटे काम कर रहे होते हैं और वो सिर्फ बिजली खा रहे होते हैं। तो मज़ीद अगर किसी काम को मॉडिफाई करना होता है, कुछ तब्दीली करनी होती है, तो इंसान जो है उस रोबोट के काम में, जो ऑटोमेटेड काम है, उसके अंदर जाके मुदाखलत करता है, उसको अपडेट करता है, उसकी सीक्वेंस, उसका वर्क फ्लो अपडेट करता है अगर चाहिए होता है, तो उसके बाद रोबोट फिर 24 घंटे उसी तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं जैसा कि उनको बताया गया होता है। इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि रोबोट थकते नहीं हैं। इससे दूसरा फ़ायदा ये होता है कि रोबोट गलती नहीं करते, उनको जैसा कहा जा रहा होता है, जैसा बताया जा रहा होता है, वो वैसे ही कर रहे होते हैं। और इसका तीसरा फ़ायदा ये होता है कि जी प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। इंसानों के साथ काम करने में, एक जैसा काम करने में मुश्किलात जो आती हैं वो उनका थकना होता है, शिफ्टें चेंज होनी होती हैं, और गैप्स आ रहे होते हैं प्रोडक्शन के अंदर, तो रोबोट्स और ऑटोमेशन के अंदर ये चीज़ें नहीं होती, जब भी तो चीज़ों को ऑटोमेट किया जाता है। और चूँकि एक मर्तबा एक मास्टरपीस वर्क फ्लो डिज़ाइन होता है जिसके अंदर गलती नहीं होती, तो रोबोट भी उसी पर अमल करते हुए कोई गलतियां नहीं करते, और चूँकि 24 घंटे काम होता है इसलिए प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। तो ये फ़ायदा है ऑटोमेशन को अपनाने का, और इस ऑटोमेशन और रोबोट को अपनाने से क्या क्या फ़ायदे हासिल होते हैं ये इस वक्त हमने जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में और देखते हैं क्या और नया क्या सीखते हैं। थैंक यू।